अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे से बनने वाली और किचन में हमेशा काम आने वाली चीज़, वो है शेजवान सॉस, जो हम घर पर ही बनाएंगे अपने घर के ही इंग्रेडिएंट्स से। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपके पास बाजार में मिली है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। 15 से 20 कश्मीरी लाल मिर्च है फ्रेश। ये सूखी मिर्च है 10 से 12, ये बहुत तेज होती है इसलिए थोड़ी कम मकदार में लेंगे इसे। ये सूखी कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको 8 से 10 लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश लाल मिर्च नहीं मिली तो सूखी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 15 से 20 कर दीजिए। इसे अच्छी तरह से वॉश करे बाद इसको भिगने रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उबालेंगे इसको लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट सॉफ्ट हुए बाद में उसका पेस्ट बनाकर रख लेंगे। गैस पे पैन रखेंगे, 1 कप ऑयल डालेंगे क्योंकि सॉस में थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही रहता है। ये गार्लिक है, इस चॉप की हुई है, एक बड़ा पीस ले लेंगे गार्लिक का, चॉप कर लेंगे। जिंजर है 2 इंच का, इसे भी चॉप कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये पेस्ट है मिर्च का, पेस्ट डाल देंगे अच्छी तरह से, 5 से 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे ही भुनेंगे, ऑयल रिलीज हुए तक भुनेंगे इसे। देखिए जार का पानी है, ये भी डाल देंगे थोड़ा सा, इसे अच्छे नमक हसबे जायका मिलाएंगे। 1 बड़ा टेबलस्पून टमाटर सॉस डालेंगे, 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे ताकि बैलेंसिंग रहे। अच्छी तरह से मिक्स करे बाद इसको लीड ढाँप के 1-2 से 4 मिनट पकाएंगे। देखिए अब अच्छी तरह से फिर 1-2-4 मिनट भुनेंगे। उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर है 2 टेबलस्पून है, चाय के चम्मच से ये मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करे बाद में फिर इसको भी एक लीड ढाँप कर 1-2-3 मिनट पकाएंगे। अब अच्छी तरह से फिर 2-3 मिनट भुने बाद देखिए ऑयल रिलीज हो गया है। अब इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शेजवान सॉस बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।